हमारे देश में पति की लंबी आयु का व्रत करवा चौथ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस त्योहार पर व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ के दिन माता पार्वती और गणेश जी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है, जिसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं करवा चौथ की सबसे प्रचलित कथा क्या है। एक ब्राह्मण के सात पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। सात भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगा कि जैसे चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा डाला तो उसके बाल निकल आए। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से ही महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।